Ramesh Bhatt and Pooja Bhatt will be turning RJ for a radio station at Lower Parel, Mumbai. And at the event where both talked on various explosive issues such as sex, extramarital affairs, censor board relationships and a lot more. The new show will be Bhatt Naturally, and it certainly gets interesting to know that the father-daughter duo will now be turning RJ, where the public can now ask their questions and get their answers from them. Let's hear more from the duo themselves. Bhatt Naturally, the Pooja and Mahesh Bhatt show is a hit. हमें ये हिट शब्द जो है ना सुनने को बहुत कम मिलता है. अगर हम पूरी जिंदगी को रिवाइंड करके देखें तो चंद वो ऐसे लम्हे हैं जहाँ पर हमें इतनी खुशी का एहसास हुआ है कि हमारा कोई काम जो हमने किया हिट हुआ है. क्योंकि रेडियो में हमारा जो पहला जो एक एडवेंचर रहा है और वो इज़ अ हिट. और इसके दौरान जैसे पूजा ने कहा कि एक नए मीडियम से अपनी आवाम तक पहुंचने का जज्बा तो हमारे अंदर था, मगर साथ साथ कहीं पर हमारे अंदर भी बहुत कुछ खुला है जिसने हमको चौंका दिया है. कुछ ऐसी यादें दफन थी जिससे हम शायद सालों नहीं मिले थे. तो द शो हैज़ बीन अ वेरी वेरी एंगेजिंग शो. और एक अहम बात यह है कि ये शो को जिंदा किया है सुनने वालों ने. क्योंकि जब सुनने वाला दिल से कोई सवाल पूछता है तभी हमारे अंदर से एक जवाब आता है जो जिंदा जवाब होता है. नहीं तो अक्सर थके हुए सवाल होते हैं, सुनने वाला जो है वो सवाल पूछकर सुनता नहीं है. मगर ये एहसास कि जिसने सवाल पूछा है वो हमसे सवाल पूछ के हमारे हर लफ्ज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो हमें जिम्मेदारी देता है कि हम अपनी दिल की बात ईमानदारी से उन तक पहुँचाएँ. मीडियम बहुत ही लिबरेटिंग है, बहुत ही पावरफुल है. और आई थिंक दैट आपको तो किसी यंग फिल्म मेकर ने एक्यूज़ किया है कि आप कुछ समय के पहले आ गए हैं, मगर आपका पेशा ही तो ये है कि वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ आर टाइम्स. मगर हाँ, हमारे ऑडियंस से जुड़ने का ये जो मौका हमें मिल रहा है रेडियो मिर्ची के थ्रू, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है टू काइंड ऑफ मेक मेमोरीज. और ये ज़िंदगी भर मैं इस इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाऊँगी for my own satisfaction and as fuel for myself. So I'm very grateful for this chance. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रेडियो का जो मीडियम है कितना फैल चुका है, उसका कंटेंट कितना गहरा हो गया है और कितना रूटेड हो गया है. बिकॉज ऐसे कैंडिड बातें आप मतलब दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे कर नहीं सकते. आई डोंट थिंक कि किसी ने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम दोनों भट्ट साहब और मैं बहुत सारे टॉक शोज में शामिल हुए हैं, बहुत सारे मंच पे गए हैं, मगर इतने एक फ्री व्हीलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अनसेंसर्ड टॉक जहाँ पे हमें वो रोकाते नहीं है. अगर गार्बेज बातें हो, अगर ओवरलैप होती है, कभी कभी गले में खराश होती है, मगर इट डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग एबल टू स्पीक योर हार्ट एंड माइंड. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ बहुत ही एक लिबरेटिंग प्रोसेस है कि बिना मेकअप के, बिना बाल, आपसे मतलब जाके यू जस्ट स्पीक. और आपने मुझे सिखाया था ये कि जब भी आप दिल से बोलेंगे तो लोगों के दिल तक पहुँचेगी, जब आप मुंह से बोलेंगे तो लोगों के कान तक बात पहुंचती है. तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम दिल से ही बोलें, चाहे लोग वो स्वीकार करें या ना, या एक्सेप्ट करें या ना, मगर बस दिल की बात आपके सामने डाल रहे हैं. अभी आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें. हिंदुस्तान में क्या है कि हमारी आदत है कि जो हम जिंदगी जीते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं. हमें सिखाया गया इसके लिए आधे लोग जो है घर के बाहर बड़े होते हैं. तो जैसे सेक्स को लेकर जो टॉपिक है, लोग मैंने तो यही कहा था कि लोग तो ये बोलेंगे कि एक ही मंच पे एक बेटी और बाप बैठ के सेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं. मगर आई थिंक कि अगर ज़्यादा घरों में ये होता तो हमारे देश में ये यू नो दे वुड नॉट बी सच अ प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज टू बिगिन विथ. लोगों को अपने राइट्स, अपनी प्रायोरिटी समझ में आ जाती. सेक्स जो है एक बुरा शब्द समझा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ वी डीमोनाइज द टर्म एंड आई थिंक कि उसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो आई फील के इट इज़ बेटर टू अलाउ योर चिल्ड्रेन टू ग्रो अप विद इन योर होम देन आउटसाइड इट. एंड दैट इज़ फिर से ओपिनियन हमारा है. आपको ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी है. आप रेडियो ऑफ कर सकते हैं, आप ट्विटर पे हमें अनफॉलो कर सकते हैं, मगर हम जो हैं हमने कब मान लिया कि जो हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है? हमेशा ऐसी कुछ फहमी है नहीं.
हम एक लिमिटेड इंसान हैं जो अपनी लिमिटेड जिंदगी गुजारने के बाद में हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे हैं जिसके आधार पे हम अपने सुनने वालों को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लिमिटेड परसेप्शन हो। आई एम कम्प्लीटली कम्फर्टेबल एग्रीइंग विद दैट, बट आई एम सेइंग इट सिंसियरली एंड दैट्स ऑल दैट वी कैन से। इट्स अ ट्रूथफुली एक्सप्रेस शो। एंड ऑल्सो आई फील कि आज के दौर में जो भी हर चीज़ इंजीनियर किया जाता है, एवरी कॉमेंट, हर किसी की राय कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होती है जब तक लोगों तक पहुंचती है। मतलब लोग प्यार के बगैर मतलब छींकते भी नहीं है आज के दौर में। तो आई थिंक इजंट इट रिफ्रेशिंग टू जस्ट हियर समबडी से इट द वे दे फील इट विद ऑल देयर फ्लॉज विद ऑल देयर लिमिटेशंस। आई थिंक दैट इज द अटेंशन। हम अपने घर में भी सांस संभल संभल के लेते हैं कि भैया पता नहीं क्या बोल दिया तो उससे कौन सा जो है बक फूट जाएगा। अपने घर में ही हम इतने खौफजदा हो गए हैं कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन। कोई सब सही बात साउंड करना चाहते हैं कि हमने सही बात कही है, दिल की बात जो है बहुत कम हम कहते हैं। आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी स्पीक आवर हार्ट्स, सो लिसन टू अस विद आवर हार्ट्स, योर हार्ट्स।